तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी शारदा उचिया है उसको कौन ट्रेन करेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है। तो आज के इस वीडियो में बकचोदी कम और टॉपिक ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हो बिना टैप टैप करे। तो अब बिना बकवास किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। शारदा को कौन ट्रेन करेगा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें कुछ मेन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो शारदा को ट्रेन करने के लिए हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहला उज़ुमाकी नारुतो दाते भाइयो, सेकंड सासुके उचिहा, थर्ड लेडी ज़ुनाडे एंड फोर्थ साकुरा, एट लास्ट काकाशी हटाके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे होकागे नारुतो के बारे में। तो बात की जाए नारुतो की, तो नारुतो उसे ट्रेन नहीं करेगा। इसके लिए मेरे पास वैलिड पॉइंट्स है जो कि सेंस बनाते हैं। तो जो पॉइंट नंबर वन है वो ये है कि नारुतो है वो अपने बोरुतो को ही ट्रेन नहीं करता है, तो शारदा को तो शायद ही ट्रेन करेगा। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में कही जाए तो नारुतो को उसकी घर गृहस्थी के लिए ही टाइम नहीं मिलता, तो किसी को ट्रेन करने के लिए तो शायद ही मिलेगा। और जो पॉइंट नंबर टू है वो भी काफ़ी ज़्यादा वैलिड है। पॉइंट नंबर टू ये है कि जो नारुतो है उसने ऑलरेडी कावाकी को अपना एज ए स्टूडेंट के लिए नज़रें गड़ा रखी है, तो शारदा का सेंस ही नहीं बनता। और जो पॉइंट नंबर थ्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल है। नारुतो है रसिंगन वाला, शारदा है चिदोरी वाली। काफ़ी लोग समझ चुके होंगे लेकिन नहीं समझे हो तो मैं बता दूं, नारुतो उसको ट्रेन कर ही नहीं सकता, लायक ही नहीं नारुतो से ट्रेन करने के, या फिर कहे तो शारदा उसके स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है, क्योंकि दोनों की चॉइसेस अलग अलग है, रसिंगन और चिदोरी। याद रखना ये दोनों कभी भी मिल नहीं सकते। तो नारुतो अब हमारे शारदा को ट्रेन नहीं करेगा, मे बी फ्यूचर में कर भी सकता है, राइटर के मन में क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं है। तो नारुतो का नाम अभी के लिए तो इस लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो अब नारुतो के पास सेकंड जो हमारी मोस्ट लाइक्ड चॉइस है वो है उचिहा सासुके। तो यार जो सासुके है वो भी एक उचिहा, शारदा भी एक उचिहा, सासुके भी चिदोरी वाला, शारदा भी चिदोरी वाली, काफ़ी ज़्यादा मेल हो रहा है। और सासुके ऑलरेडी शारदा को ट्रेन कर चुका है कुछ एपिसोड्स पहले। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे होंगे कि सासुके ही ट्रेन करेगा, भाई सासुके ही बंदा है वो। तो मैं आपका दिल दुखाना तो नहीं चाहता लेकिन सासुके नहीं ट्रेन करेगा। इसके लिए भी मेरे पास वैलिड पॉइंट है। तो जो सासुके का निंजा वे है वो शारदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शारदा को निंजा वे पसंद है नारुतो उज़ुमाकी का, जो कि पहले ही लिस्ट से बाहर हो चुका है। और शारदा को उसका डैड एम्बेरस भी करता है, तो शायद इसी वजह से, बस इतनी छोटी से कारण की वजह से सासुके ना ट्रेन करे, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आगे वीडियो में लाने वाला हूं, वो इस पॉइंट को एकदम वैलिड प्रूव करेगी। अब सासुके भी बाहर है, नारुतो भी बाहर है, बची कौन, साकुरा और ज़ुनाडे। तो देखो आपको पता ही है जो हमारी शारदा है वो बनना चाहती है स्ट्रॉन्ग, ना कि हील करने वाली। तो साकुरा भी एक मेडिकल निंजा है, लेडी ज़ुनाडे भी एक मेडिकल निंजा है, तो शायद वो उसे ट्रेन करेगी जब तक उसके पास ब्याकुगो सील ना आ जाए, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा फैन आर्ट्स और काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा है कि जो शारदा है उसके पास मतलब एक ब्याकुगो सील है। तो शायद किसी मोटो मतलब उसको ब्याकुगो सील तक के लिए ट्रेन करवा दे, पर मुझे तो लगता है कि ये दोनों इसे ट्रेन नहीं करने वाले, क्योंकि यार जो शारदा है उसने पहले भी साकुरा से ट्रेनिंग ली थी, और किस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी आपको भी पता है, बस चाकरा पंचिस की। मुझे लगा था यार मतलब हीलिंग वगैरह की थोड़ी प्रैक्टिस करेगी, लेकिन नहीं। तो अब लेडी ज़ुनाडे और साकुरा का भी नाम इस लिस्ट से हटाया जाता है। तो अब बचा कौन, हटाके काकाशी। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है, काकाशी हटाके। देखो जो काकाशी है उसका निंजा वे भी अच्छा है, नारुतो जैसा ही है मतलब, और उसके पास भी एक उचिहा जैसी आई टेक्निक है, यानी कि सारिंगन थी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है जो हमारी शारदा उचिहा है वो भी एक हाफ ब्लडेड उचिहा है, यानी कि उसकी माँ उचिहा नहीं है, उसकी माँ है हारुनो। तो उसकी सारिंगन भी उसका चाकरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से खींचती है, जस्ट लाइक अदर पर्सन हु हैव सारिंगन। तो अगर आपको नहीं पता हो कि काकाशी कैसा बंदा है तो मैं आपको बता दूँ, काकाशी ही वो बंदा है जो एक नॉन उचिहा था और उसके पास एक सारिंगन है, और उसने उसकी सारिंगन आई टेक्निक को इस तरीके से मैनेज कर लिया कि वो उसका चाकरा काम ड्रेन करेगी। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि दोनों मतलब उचिहा की खासियत है दोनों में, और दोनों के पास उचिहा का ब्लड नहीं है। भाई शारदा के पास है लेकिन मतलब पूरा तो नहीं है ना यार, मिक्स्ड ब्लड है। और काकाशी उसको उसकी चिदोरी मास्टर करने के लिए भी हेल्प कर सकता है, यानी कि जो शारदा चिदोरी यूज़ करती है उसको भी वो उससे मास्टर करा सकता है, और थर्ड चाकरा नेचर ये सब। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो काकाशी है वो हमारी शारदा को ट्रेन करने वाला है, और सासुके ज़ुनाडे साकुरा नारुतो ये सब ट्रेन नहीं करेंगे। तो अगर आप मेरे पॉइंट से थोड़ा सा भी खुश हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, जल्दी से 5K करा दो, फेस रिवील कर दूंगा। तो ओके गाइस, सायोनारा।